नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 24 ऐसे हैंगिंग प्लांट जो कि आप अभी अगस्त के महीने में अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से जो है ये ग्रो करते हैं, बहुत ही फास्टली और बहुत ही जल्दी जो है आपके हैंगिंग बास्केट को जो है ये कवर कर लेते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, बहुत ज़्यादा भी इन्हें केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला हैंगिंग प्लांट है टर्टल वाइन। जैसा कि आप देख रहे हो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है और ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो ये 3 से 4 महीने का रिज़ल्ट है और ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग ये वाइन होती है और ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है। बारिश के दिनों में इसमें जो है इस तरह से एरियल रूट्स भी आते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा भी इसे केयर की ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक या दो बार भी हम इसे खाद देते थे तो भी चलता है। देखिए इस तरह की छोटी सी कटिंग भी कट करके हम लगा देते हैं, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा भी इसे केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे जो है 1 से 2 घंटे की सनलाइट में रखना होता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो पीलिया डिप्रेशन, इसकी जो लीफ आप देख सकते हो छोटी छोटी इस तरह की राउंड शेप की होती है, डार्क ग्रीन कलर बॉटल ग्रीन कलर की होती है, बहुत शाइनी इसकी लीफ होती है। ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, इसकी छोटी सी कटिंग भी हम लगा देते हैं तो लग जाती है और इसे भी जो है 2 से 3 घंटे के सनलाइट में रखना होता है, अच्छे से वेल्डन सॉइल में अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगा देते हैं। तो ये भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग ये मतलब हैंगिंग प्लांट होता है, इसे भी आप ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो स्वीट पोटैटो वाइन, इसमें पर्पल कलर भी आता है और एक ब्लैक कलर आप देख सकते हो। ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फास्टली ग्रोइंग करता है और अगस्त के महीने में तो आप इसे ज़रूर ऐड करिए और देख सकते हो आप इसे हैंगिंग बास्केट को भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है कवर कर लेता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में साल में एक या दो बार भी हम खाद देते तो भी चलता है, पर इसे जो है ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना होता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग ये प्लांट होता है। आप देख सकते हो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया है और इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में जो है साल में 1 या 2 बार भी हम खाद देते तो भी चलता है। पर ये जो प्लांट है ये लो सनलाइट का मतलब शेड लविंग प्लांट है, इसे 1 से 2 घंटे की सनलाइट में इसे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है एंजॉय पोथोस। एंजॉय पोथोस भी जो है हैंगिंग बास्केट को बहुत ही जल्दी जो है कवर कर लेता है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग ये प्लांट होता है, इसे भी आप ज़रूर ऐड करें और इसे भी अच्छे से खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में जो है ये शेड लविंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा भी इसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती 1 से 2 घंटे की। और देखिए इसमें कितने बड़े बड़े एरियल रूट्स होते हैं, वहाँ से कट करके इसे कटिंग से भी इजीली ग्रो किया जा सकता है पानी में और मिट्टी में भी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत ही फास्टली जो है ये आप देख सकते हो ग्रो करता है और अगस्त के महीने में तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। नर्सरी में भी ये प्लांट जो है काफ़ी महंगा नहीं मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है और अच्छे से खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में जो है साल में 1 या 2 बार भी हम खाद देते तो भी चल, सनलाइट की रिक्वायरमेंट 1 से 2 घंटे की इस प्लांट को होती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग ये प्लांट होता है, ये भी हैंगिंग बास्केट को बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है, इसमें से इस तरह से रनर्स भी निकलते हैं और इसे भी अच्छे वेल्डन सॉइल में अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में जो है इसे भी जो है ज़्यादा मतलब खाद की ज़रूरत नहीं होती है, हम जैसे साल में 1 या 2 बार भी जैसे खाद देते तो भी चलता है और इसे जो है हमें शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं, जैसे कि 1 से 2 घंटे की सनलाइट में। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यह क्रीपिंग चार्ली, क्रीपिंग चार्ली भी बहुत ही जल्दी जो है बास्केट को कवर कर लेता है, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग ये प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा जो है हमारे गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करता है और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हो हैंगिंग बास्केट जो है पूरा ही इसने कवर कर लिया है और कटिंग से इजीली ग्रो होता है और इसे भी अच्छे वेल्डन सॉइल में खाद वाली मिट्टी में लगा दो, साल में 1 या 2 बार भी हम देते हैं फर्टिलाइजर तो भी चलता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ऑक्सालिस ट्रैंगुलरिस, और ये जो प्लांट है इसे बटरफ्लाइज भी बोलते हैं, इसके जो लीफ का कलर और शेप देख सकते हो बटरफ्लाइज जैसे होता है, इसमें आप देख सकते हो पिंक कलर के इस तरह के देखिए फ्लावर्स भी आते हैं और इसे जो है बल्ब से उगाया जाता है, मतलब इसे छोटे छोटे राइजोम्स होते हैं, इसे डिवाइड करके इसके कई सारे प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर और ग्रीन में तो काफ़ी उठ के लगता है और इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो बेबी टीयर, ये भी देखिए कितने बढ़िया से जो हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है, ये जो प्लांट है एवरग्रीन प्लांट है और साल भर ये ऐसे ही हरा भरा रहता है, इसे भी कटिंग से जो है बहुत ही जल्दी इसके कई सारे हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत फास्टली ग्रोइंग इसकी कटिंग होती है, बहुत जल्दी लग जाती है और इसे भी हम वेल्डन सॉइल में अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगा देंगे।
साल में एक बार भी इसे हम फर्टिलाइज़र दे देते तो भी चलता है। और सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसकी 1 से 2 घंटे की होती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो रिबन ग्रास, ये भी जो है फास्टली ग्रो करता है। आप देख सकते हो रिबन ग्रास कितने सुंदर इसके लीफ होते हैं और ये भी ऐसे फाउंटेन जैसा लगता है। इसे हम जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसे भी जो है हम अच्छे से वेल्डन सॉइल में लगाएंगे और अच्छे से खाद वाली मिट्टी में। इसे भी जो है जैसे साल में हम 1 या 2 या 3 बार भी जैसे खाद देते तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी जो है काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग ये हैंगिंग प्लांट होता है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया। ये बारिश में तो मेरे पास में ये ख़त्म हो जाता था, पर अभी जो है इसे मैंने सकुलेंट वाली सॉइल में लगाया तो काफ़ी अच्छे से जो है ये ग्रो कर रहा है। तो इसे भी जो है जैसे 2 से 3 घंटे की सनलाइट में रखेंगे, अच्छी वेल्डन सॉइल में लगाएंगे। नेक्स्ट जो आप देख रही हो ये है चाइनीज़ मनी प्लांट। इसे पेनी वोट भी बोलते हैं और इसे जो है डॉलर प्लांट भी। इसके आप इसके जो है अभी मैंने रिपोर्ट किया इसलिए इसकी पत्तियां कम दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है इसने पॉट को कवर कर लिया था। ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। ये 1 से 2 महीने में ही जो है पूरा पॉट को कवर कर लेता है। इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो एस्पैरेगस, ये भी प्लांट जो है डिवाइड करके इसके कई सारे प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। ये भी प्लांट जो है एवरग्रीन है, हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा जो है ग्रीनरी को ऐड करता है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा भी इसे खाद की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। सनलाइट जो है इसे, ये शेड लविंग प्लांट है, 1 से 2 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है सिंगोनियम, जिसे एरोहेड भी बोलते हैं। ये भी प्लांट जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग हैंगिंग प्लांट है। बहुत ही ज़्यादा जो है ये बढ़ता है। इसे अभी जो है मैंने इसे प्रून किया है, तब भी देखिए कितना ये इसका पॉट भरा ही है। और इसे भी जो है बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं थी। साल में एक बार भी हम खाद देते थे तो भी चलता है। और सनलाइट जो है इसे 1 से 2 घंटे की चाहिए होते, 3 से 4 घंटे की भी सनलाइट को जो है ये सहन कर लेता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है वॉन्डरिंग जो। वॉन्डरिंग जो ये मेरा फुल सनलाइट में रखा है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा जो है इसमें एरिया रूट्स आ रहे हैं। कटिंग से तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और ये 1 से 2 महीने में ही जो है आपके हैंगिंग बास्केट को ये कवर कर लेता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में अगर इसे हम खाद नहीं भी देते हैं तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो टैंगल हार्ट, ये भी देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग ये हैंगिंग प्लांट होता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितने ये नीचे तक चला गया है। और इसे भी जो है कटिंग से बहुत आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छे से इसे जो है वेल्डन सॉइल में लगाना है। इसमें जो है सैंड की मात्रा हमें ज़्यादा रखना है क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसे पानी भी बहुत कम चाहिए होता है और खाद तो मैंने अभी तक इसे दिया ही नहीं जब से मैंने इसे लगाया। अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाने के बाद में इसे खाद नहीं भी देते तो भी चलता है। बस थोड़ा सा ये ठंड के टाइम में डोरमेंसी में चला जाता है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है लैंटाना। इसमें ये येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। ये भी जो है प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही जल्दी जो है ये हैंगिंग बास्केट को जो है ये कवर कर लेता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ये प्लांट है। इसमें आप देख सकते हो कितने अच्छे जो है इसमें कलियाँ आ रही है। नेक्स्ट जो आप ये प्लांट देख रहे हो इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर ये भी जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैंने पॉट में नीचे लगाया था, इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। जैसे मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया आप देख सकते हो फ्रेंड कितना बढ़िया जो है ये ग्रो हो रहा है। अच्छे वेल्डन सॉइल में खाद वाली मिट्टी में लगा देते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो बोस्टन फर्न, ये भी प्लांट जो है हैंगिंग बास्केट को बहुत ही जल्दी जो है कवर कर लेता है। आप देख सकते हो हैंगिंग बास्केट कितना छोटा है ये, और इसका जो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बड़ा जो है ये प्लांट हो गया है। इसे भी बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। मैंने इसे अभी तक खाद दिया ही नहीं, एक ही बार दिया जब से लगाया है। और इसे ये शेड लविंग प्लांट है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है पर्पल हार्ट का। तो इसे जो है मैंने कट कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है। आप देख सकते हैं इसके टिप से, देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया था, छोटे से पॉट में लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया। इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स भी। तो अगर हम खाद नहीं भी देते तो भी चलता है, वेल्डन सॉइल में अच्छे खाद वाली मिट्टी में लगा देंगे। और ये देखिए इची बेरिया तो पूरा ही देखिए पॉट को कवर कर दिया, पॉट नज़र ही नहीं आ रहा है। ये भी प्लांट मेरा पूरा बारिश के पानी में और फुल सनलाइट में इसे मैंने रखा है, अच्छे वेल्डन सॉइल में इसे मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हैं इची बेरिया भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही बढ़िया जो है चलता है हैंगिंग बास्केट में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं इस समय इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर। वेरीगेटेड ड्रियो का प्लांट भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। आप देख सकते हो हैंगिंग बास्केट पूरा कवर कर लिया, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। इसे 3 से 4 घंटे की भी धूप जो है ये सहन कर लेता है। इसे भी बहुत ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, आप देख सकते हो। और ये भी प्लांट काफ़ी बढ़िया है, इसे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें।
नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है पर्पल टर्टल वाइन। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका हैंगिंग बास्केट इतना बड़ा ये प्लांट हो गया, बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ता है, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ज़्यादा भी इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसी भी आप ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करिए। सो फ्रेंड्स ये थे वो 24 हैंगिंग बास्केट प्लांट जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ते हैं और इन्हें आप अगस्त के महीने में ज़रूर से ऐड करें। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।